भाइयों और दोस्तों, मेरे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी बिरादरी के लोग हैं उनको मेरा प्यार भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, आप हजरात जानते हैं कि आप लोगों सबको मालूम है कि धर्म पे आज धर्म के बिकाऊ लोग किस तरह धर्म को मतलब आपस में बंट रहे हैं। कभी हिंदू धर्म से नफरत, कभी मुसलमान की मस्जिद तोड़ी जाती है। तो भाइयों, उनके लिए मेरा सबसे पहले ये मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये क्या सही है या गलत। और सबसे ज़्यादा हमारे अंदर जो इंसानियत है वो ख़त्म हो चुकी है, हमें उस इंसानियत को सबसे पहले जागरूक करना है कि हमारे अंदर जो इंसान, जो मुर्दा इंसान है उसको हमें ज़िंदा करना है। जिस तरह अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो आसपा के साथ इतनी दरिंदगी ना होती। जो छोटी मासूम बच्ची थी, जो हमारी छोटी सी मासूम बच्ची, 7 साल की बच्ची थी, उसके साथ अगर हमारे अंदर इंसानियत मौजूद होती तो ऐसा बिल्कुल ना होता। भाइयों और दोस्तों, कुछ लाइन में आपके सामने अर्ज़ करूँगा, तो उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचें। भाइयों और दोस्तों, हिंदू धर्म से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। इसी तरह सेम रोटी अगर हिंदू के पेट में जाए, मुस्लिम के पेट में जाए, उसका कोई धर्म होता ही नहीं, और पानी का कोई जात नहीं, पानी की कोई भी जात नहीं होती। उसी तरह सबसे पहले हमें इंसानियत को जागरूक करना है। सबसे पहले पानी की तरह हम इंसान हैं, सब सब ब्लड है जो हम में, हिंदू का ब्लड, मुस्लिम का ब्लड, एक ही कलर का है, कोई अलग अलग कलर का तो नहीं है। तो रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ पे इंसानियत जिंदा है वहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुस्लिम खतरे में है। धर्म का चश्मा उतारो, फिर देखो यारो कि हम सबसे ज़्यादा हमारी जो इंसानियत है वो इंसानियत खतरे में है। तो भाइयों और दोस्तों, गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, जो इनके लिए लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। गीता ये नहीं कहती कि हिंदू से नफरत करो, कुरान मजीद ये नहीं कहता कि गीता ये नहीं कहती मुस्लिम से नफरत करो, कुरान मजीद ये नहीं कहता कि हिंदू से नफरत करो। नफरत हमें नहीं करनी है, सबसे पहले हमें अपना इंसान जागरूक करना है। ये साजिद का पैगाम है, हर हिंदू, हर मुस्लिम के, सिख ईसाई यहूदी जो भी हैं उनके नाम है। अमन से जियो यारो, यहाँ हर कोई मेहमान शाम है। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दरिंदों को शेयर करें। जो दरिंदे जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, वो हर एक जगह ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि हम इंसान अमन और शांति से जिएं। भाइयों, हमारा जो देश है ये हमें अमन शांति की राह पे लेके जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप कमेंट में राय ज़रूर बताएं कि ये क्या, आपकी राय क्या है, क्या सेम राय है ऐसी कि हमें सबसे पहले अपने इंसान को जागरूक करना है जो मुर्दा इंसान हमारे अंदर है। भाइयों और दोस्तों, आप मेरा अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे। बाकी वसलाम।